हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं माहीन हूँ और जो है ये चैनल मेरा और मेरी सिस्टर का है। इस पर आपको डिफरेंट किस्म का कंटेंट्स देखने को मिलेगा। इसमें पेंटिंग मेरी सिस्टर की तरफ से होंगी बिकॉज शी लाइक्स टू डू पेंटिंग। एंड बाकी कुछ आपको कुकिंग की रेसिपीज़ अच्छी अच्छी देखने को मिला करेंगी और इसमें हम ट्रैवल व्लॉग्स कुछ डाला करेंगे। तो आप हमारे साथ देखते रहिए और इसे इंजॉय कीजिए। Please like, share and subscribe this channel with your friends. तो आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है क्रिस्पी पोटैटो कटलेट्स की। तो इसके लिए आपको चाहिए 4 से 5 आलू, बॉइल्ड आलू ही हमने बॉइल कर लिए हैं और अच्छी तरीके से मैश कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको चाहिए होंगी ग्रीन चिलीज, 4 to 5 ग्रीन चिलीज बारीक चॉप कर लें। इसके साथ हमें चाहिए होंगी हरा धनिया और पुदीना ले लें हसबे ज़रूरत, और अगर पुदीना आपके पास नहीं है अवेलेबल और आपके पास ड्राइड पुदीना मौजूद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून गर्म मसाला और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 2 टेबल स्पून चावल का आटा, 1 एग जो हम फ्राइंग पर्पस यूज़ होगा, और साथ ही हम ब्रेड क्रम्स लेंगे, इसको कोट करेंगे एक एक कटलेट्स को और फिर हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। अच्छा, तो अब हम इसमें ऐड करना शुरू करेंगे। बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं ये, 4 पोटैटोज़ हमने लिए थे, इन्हें हमने अच्छी तरीके से बॉइल कर लिया था और फिर हमने इसको अच्छी तरीके से मैश कर लिया था। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 4 to 5 ग्रीन चिलीज बारीक चॉप हुई भी, साथ ही हम इसमें हरा धनिया और पुदीना बारीक चॉप्ड ऐड कर देंगे, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, फिर इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड की हैं कुटी हुई लाल मिर्चें, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मिर्चें थोड़े स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। पिसा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून, चावल का आटा 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इट्स बेटर कि आप इसको हाथ से मिक्स करें क्योंकि हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स होता है। मैं जो है ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि हाथ से मिक्सिंग की जाए किसी भी चीज़ की, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो अच्छी तरीके से जो है मिक्स हो जाते हैं। इसको अपनी मर्जी से जिस भी शेप में लेकर आना चाहें, इसको आप ओवल शेप में भी ला सकते हैं और जो है राउंड शेप में भी बना सकते हैं, कबाब की शेप में भी बना सकते हैं। हम इसे कबाब की शेप में टिकिया की शक्ल में बनाएंगे। कटलेट्स जो रेडी हैं, अब इनको जो है हम फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे, जिसके लिए हम इसे सबसे पहले जो है अंडे में डिप करेंगे और अंडे के बाद फिर हम इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। तो ये प्रोसेस हमने सारे कटलेट्स के साथ रिवाइज करना है। इसको पहले अंडे में डिप करेंगे आप और इसी तरह ब्रेड क्रम्स में कोट करते जाएं और इसको शैलो फ्राइंग के लिए फ्राई पैन में जो है वो डालते जाएं और ये फ्राई हो जाएंगे। आँच बिल्कुल धीमी रखनी है, धीमी से थोड़ी अगर मैंने मीडियम फ्लेम पे ही आप इसको शैलो फ्राई करें। देखिए इस पर हमने एक साइड से इसको पलटा है तो सुपर कलर आ चुका है और दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से गोल्डन ब्राउन कर देंगे। ये व्यूअर्स हमारी रेसिपी का फाइनल लुक, ये फ्राई हो चुके हैं और इसको आप जो है रायते के साथ, ग्रीन रायता, ग्रीन चटनी या जो है केचप के साथ, जो भी आपको अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसको सर्व कर सकते हैं।